जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं वी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन के मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्टदेवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं वरूथनी एकादशी की, आज बात कर लेते हैं वैशाख माह की एकादशी की, और आज बात कर लेते हैं ये एकादशी कब है और एकमात्र नारियल के उपाय से किस प्रकार आप भगवान श्री विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और किस प्रकार अपने कार्य साध सकते हैं। आज की वीडियो में ऐसी जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले। क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलते हैं सारे ज्योतिषीय उपाय, सारे पर्व एवं त्योहारों की पूजा की विधि, जो कि आपके निश्चित निश्चित बहुत काम आते हैं। तो हम आज बात कर रहे हैं वरूथनी एकादशी सन 2024 में कब है वैशाख माह की एकादशी। कब है वैशाख माह की एकादशी? 4 मई दिन शनिवार, 3 मई की रात्रि में प्रारंभ होकर 4 मई की रात्रि तक रहने वाली है। तो उदय तिथि के अनुसार 4 मई को वरूथनी एकादशी रहेगी, दिन रहेगा शनिवार। इस दिन भगवान श्री विष्णु, वैसे तो सारी एकादशी अपने आप में अद्भुत है। जो भी व्यक्ति एकादशी के व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा के पात्र बनते हैं, या बोलूं तो उनके लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। लेकिन हर एकादशी का अलग अलग महत्व भी है। तो आज बात कर रही हूँ वरूथनी एकादशी, वैशाख माह की एकादशी, जो कि वैशाख माह माधव माह है। क्योंकि ये माह में तो भगवान श्री विष्णु और कान्हा जी की कृपा बरसनी बरसनी है, यदि आप उनकी पूजा करते हैं श्रद्धा और भक्ति के साथ। और उस पर भी मिल जाए आपको एकादशी और दिन मिल जाए शनिवार का, मैं आपको क्या ही बोलूं। अद्भुत, इस अद्भुत दिन आपको क्या करना है? अगर आपके जीवन में अनलिमिटेड कष्ट है, अनलिमिटेड परेशानी है, यदि आपको ऐसा लगता है कि शायद मेरी जैसी किस्मत तो किसी की होगी ही नहीं, शायद मेरी तो किस्मत भगवान ने काली स्याही से लिख दी, शायद मेरी किस्मत में तो ये कभी होगा ही नहीं, मेरी किस्मत में धन नहीं हो सकता, मेरी किस्मत में तो संतान नहीं होगी, पता नहीं मेरी किस्मत में विवाह होना लिखा है कि नहीं लिखा, पता नहीं मेरा कभी अपना घर बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, पता नहीं मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, असंख्य क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं, असंख्य क्वेश्चन हमारे मन में आते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। बहुत सारे उपाय पूजा हम कर लेते हैं लेकिन हमें फल प्राप्त नहीं होता। देखिए, हमेशा आप ये चाहें कि आज मैंने 5 माला कर ली और मुझे आज की आज फल मिल जाए, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो आपको थोड़ा सा तो भगवान पर विश्वास रखना पड़ता है। एक काम नहीं बना तो दूसरे काम के लिए या तीसरे काम के लिए या दूसरा उपाय या तीसरा उपाय निरंतर करते रहना चाहिए। कहते हैं ना कि घिसते घिसते तो पत्थर पर भी बल पड़ जाते हैं, जब रस्सी निरंतर घिसती रहती है तो पत्थर पर भी बल डाल देती है। तो आप तो इंसान हो और वो भगवान है जो अपने बच्चों के ऊपर करुणा रखते हैं, तो इसलिए पूर्ण विश्वास के साथ कर रही है। बात कर रही हूँ मैं एकादशी की, जो कि 4 मई दिन शनिवार को है। इस एकादशी पर आपको क्या करना है? भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कीजिए, मंत्रों का जाप कीजिए, पीले रंग के पुष्प, पीले रंग के फल, पीले रंग के वस्त्र उन्हें अर्पित करिए, जो भी आप कर सकते हैं वो करिए। उसके साथ साथ क्या करें, एक जटा वाला नारियल ले आइएगा, एक जटा वाला नारियल ले आइएगा, 11 तुलसी पत्र। एकादशी पर तुलसी पत्र नहीं तोड़ेंगे, एकादशी में तुलसी जी में जल नहीं देंगे। हाँ, एकादशी के दिन तुलसी जी की पूजा जरूर कर सकते हैं, एकादशी के दिन तुलसी जी को दीपक जरूर दिखा सकते हैं, एकादशी के दिन तुलसी जी की परिक्रमा जरूर कर सकते हैं, बस जल नहीं देते क्योंकि माता तुलसी माता भी व्रत रहती है, इसलिए जल नहीं देते हैं, इसलिए जल नहीं देना। लेकिन हाँ, और उनके पत्र नहीं तोड़ने, बाकी सारा कुछ कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, दीपक दिखा सकते हैं, परिक्रमा। 11 पत्र पहले से ही तोड़ के रख ले, ये वाली वीडियो आपको पहले ही मिल जाएगी, तो आप पहले से ये पत्र तोड़ के रखिए, आपको मालूम भी है कि एकादशी पर नहीं तोड़े जाते। 11 तुलसी पत्र और एक जटा वाला नारियल, और कुछ नहीं चाहिए आपको। एक जटा वाला नारियल पहले से भी ला के रख सकते हैं, जब भी जटा वाला नारियल, बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उसे जटा वाला नारियल ही कहते हैं जो हम हवन और पूजन में रखते हैं। अभी आपने नवरात्रों में भी कलश स्थापना की थी, तब भी करते हैं, जाकर देखते हैं पानी होता है उसके अंदर गुल्ला होता है, तो वो वाला नारियल आपको लेना है। आपको 11 तुलसी पत्र लेने हैं, उन 11 तुलसी पत्र को और पीले धागे को आपको लेना, नारियल के ऊपर हल्दी से स्वास्तिक बनाना है, हल्दी से नारियल के ऊपर पूर्ण स्वास्तिक बनाएंगे, उस स्वास्तिक के ऊपर 11 तुलसी पत्र रखेंगे, फिर 11 बार वो पीला धागा आप उस नारियल पर लपेटेंगे। ठीक है, नारियल लिया, जटा वाला नारियल लिया, हल्दी से उसके ऊपर स्वास्तिक बनाया, उसके ऊपर 11 तुलसी पत्र रखे, पीले धागे से या पीले कलावे से या लाल पीले कलावे से 11 बार उसको घुमा के बांध दिया। अपने दोनों हाथों में ले लेना या अपने दामन में, अपनी जो इसमें जो आपकी गोदी होती है उसमें आप ले लेना,
रख लेना और आप मनी मन जो भी आपके जीवन की समस्या कष्ट दुख परेशानी सब बोल देना। ऐसा लगेगा कि सब इसके अंदर समा रहे हैं नारियल के अंदर, और वो ले जाकर सिर के ऊपर से नहीं बारना आपने, केवल आपको अपने हाथों में रखना है, अपनी गोदी में रखना है, अपने आंचल में रखना है और अपनी बातों को बोल देना है। ये कोई भी स्त्री पुरुष कर सकते हैं, अनमैरिड गर्ल्स भी कर सकते हैं, पढ़ने वाले बच्चे भी कर सकते हैं। उसके बाद संध्या समय में आपको पीपल वृक्ष के पास जाना है, पीपल वृक्ष की जड़ में उसको अर्पित कर देना है नारियल को और अपने घर को चले आना है। बस इतना सा काम। अब जो बच्चे बाहर क्वेश्चन करते हैं कि हमारे अब्रॉड में पीपल का वृक्ष नहीं है, हम क्या करें, कोई भी बिग ट्री हो, बहुत वेरी बिग ट्री, जो बहुत घनेरा वृक्ष हो, बहुत प्राचीन वृक्ष हो, बहुत पुराना वृक्ष हो, उसके नीचे आप इसे रख सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु का कहीं मंदिर हो, माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का मंदिर हो, या राधा कृष्ण जिस मंदिर में विराजमान हो, वहां इसको रख सकते हैं। सार्वजनिक तौर पर बना हुआ मंदिर है, वहां राधा कृष्ण की बहुत बड़ी मूर्ति है, प्रतिमा है, अद्भुत। आप अपने नेत्रों से निहारिए और वो जो नारियल आपने तैयार किया है वो ले जाकर उनके चरणों में अर्पित कर दीजिए और अपने मन के भाव उनसे व्यक्त कर दीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी और शनिदेव प्रसन्न होंगे। सबसे अच्छी बात है शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे आप इस कार्य को जब करेंगे। तो आप ये तो भगवान जी के मंदिर में भी कर सकते हैं, नहीं तो पीपल वृक्ष भी कर सकते हैं। और जो हमारे बच्चे बहुत दूर अब्रॉड में रहते हैं, जहाँ मंदिर भी नहीं है, जहाँ पीपल वृक्ष भी नहीं है, वो किसी बहुत प्राचीन पुराने विशाल वृक्ष के नीचे इसको रखकर आ सकते। तो बरूतनी एकादशी के विषय में ये जो मैंने आज आपको जबरदस्त वाला उपाय बताया, आशा करती हूँ ये आपके लिए निश्चित बहुत उपयोगी साबित होगा। आज के लिए इतना, इजाजत दे दीजिए, मिलते हुए और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का स्मरण करना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी मदद।